भोजपुरी सिनेमा के मेगा स्टार कहे जाते हैं रवि किशन, जिनकी पहचान एक्टर के रूप में ना सिर्फ भोजपुरी बल्कि अलग अलग कई राज्यों में भी और कई रीजनल सिनेमा की जाती है। हाल ही में रवि ने खुद एक भोजपुरी फिल्म का निर्माण भी किया है जिसका नाम है सन की दरोगा, जिसके सभी ने खूब तारीफ की है टीजर रिलीज होने के बाद। वेल, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ तक पहुँचने के लिए और इतना नाम बनाने के लिए रवि ने शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। मुंबई आकर कई सालों तक उन्होंने हिंदी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल भी किया और आप लोग जानते ही हैं कि रवि के बाबूजी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनके बेटे रवि हीरो बने, क्योंकि उनके परिवार में ग्लैमर की लाइफ को अच्छा नहीं समझा जाता था। लेकिन रवि एक्टर बनने के लिए अपने घर से मुंबई भाग आए थे और मुंबई आकर उन्होंने मेहनत की, जिसके बाद उन्हें सलमान खान के साथ बॉलीवुड फिल्म तेरे नाम में सपोर्टिंग रोल यानी पंडित का किरदार निभाने का मौका मिला। इस फिल्म में अपने किरदार के लिए रवि ने अपने बाबूजी के ही लुक को कॉपी किया। गले में कंठी माला पहने रवि ने पंडित का रूप धारण कर अपने पापा को ही ध्यान में रखकर बोल चाल और सारे हाव भाव वैसे ही लिए जैसे उनके पापा के हैं, जो उनके लिए लकी भी साबित हुआ और वहीं से रवि को एक नई पहचान मिली और इस रोल के लिए रवि को नेशनल सपोर्टिंग रोल का खिताब भी मिला। इसलिए रवि अभी भी अपनी सफलता का श्रेय अपने बाबूजी को ही देते हैं। कुछ समय पहले उनके बाबूजी की तबीयत बिगड़ गई थी, जिस कारण वो सब काम छोड़ अपने बाबूजी के साथ ही घंटों अस्पताल में ही समय बिताया करते थे, लेकिन अब उनके बाबूजी बिल्कुल स्वस्थ हैं और उनके मुंबई घर में ही उनके साथ रहते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़, भोजपुरिया की रिपोर्ट।